आज अंतर्राष्ट्रीय महायोगी ब्रह्मली ने श्री देवराहा बाबा जी महाराज के संत श्री देवराहा शिवनाथ दास जी महाराज का अवतरण दिवस श्रद्धालु भक्तों के द्वारा महादेवा के अन्नपूर्णा ट्रेडर्स के ऊपर मनाया गया। श्रद्धालु भक्तों के द्वारा संत श्री देवराहा शिवनाथ दास जी महाराज का षोडशोपचार विधि से पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर श्रद्धालु भक्तों को संबोधित करते हुए संत श्री देवराहा शिवनाथ दास जी महाराज ने कहा कि जिस प्रकार ऊपर से स्नान करते करते भीतर शीतलता आ जाती है, ठीक उसी प्रकार हृदय से राम नाम लेते लेते जीव के कुविचार और दुर्गुणों का नाश हो जाता है। वैशाखी से खोदते हुए कुआं खोदा जाता है और पानी मिल जाता है, उसी तरह कीर्तन करते करते ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। इस स्थिति में जीव सदाचारी हो जाता है और वो सबको अपना मानने लगता है। संकीर्तन के दौरान भक्त मंत्रमुग्ध नजर आए, वहीं इसके बाद भंडारे का आयोजन हुआ, हजारों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में धर्मेंद्र सिंह भाजपा नेता, रामनवमी शोभा यात्रा समिति के महासचिव शंभू प्रसाद चौरसिया, धीरू सिंह उर्फ कल्लू सिंह, मुक्तिनाथ सिंह आदि लोग मौजूद रहे। कीर्तन करते हैं, लेकिन आज हमारा जन्मदिन है तो हम नहीं मनाता है जन्मदिन। भक्ति लोग कराते हैं तो हम जो है भक्ति योग में है, प्रवचन में नहीं है, प्रवचन नहीं करता, भक्ति योग में। तो भक्ति योग में दिया है कि ऊपर से स्नान करते करते भीतर ठंडा हो जाता है। हनु जैसे करता है तो खनता है, बैसाखी से जमीन को खनते 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 कुआं तालाब बन जाता है। हनु पहले तो बैसाखी से खनता है, अब बाद में कुआं तालाब बन जाता है तो उसमें से जल मिलने लगता है। उसी तरह से प्रभु है, जब भक्त कीर्तन करते करते खन लेता है तो जल मिल जाता है। तो तिमिटी तिमिटी जल भर ही तालाबा, अतिमि सदगुण सज्जन पहयावा, सज्जन सुधरने लगता है, अकीर्तन करने लगता है। यही है हमारा उद्देश्य। आज तो हमारा जन्मदिन है, इसीलिए हम आया है, नहीं तो कल पटना में था। हनु हाँ कल पटना में था, रात में आया और चला वहाँ से तो यहाँ आया। हनु